अस्सलामुअलैकुम, मैं कौशल राव। और कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आज हम ऑरेंज ट्रेन पे, मेरी फैमिली और हम सब ऑरेंज ट्रेन पे जा रहे हैं। आज इस वक्त टाइम जो है वो तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला है और इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर से मैं ऊपर जाऊंगी। ऑरेंज ट्रेन के हम पहले स्टॉप, पहला मीन के ये शालामार का स्टॉप है, इसके स्टॉप से मैं शुरू होंगी, यानी कि हम इसमें बैठेंगे और हम आखिरी स्टॉप तक जाएंगे। तो चलिए जी, ट्रेन पे चलते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर पे दुपट्टा पकड़े सनिया। इसमें बैठने लगी, चढ़ने लगी ये। ठीक है जी, स्टेयर से ऊपर जाएंगे। मौसम अच्छा है, बहुत गर्मी थी पिछले दिनों, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ये काफ़ी दिन से ये सिलसिला था गर्मी का। आज हवाएं चल रही हैं और मौसम जो है थोड़ा सा बेहतर हो गया है, बल्कि काफ़ी बेहतर हो गया है। गर्मी का वो हिसाब नहीं रहा, वो जोर नहीं रहा आज इस हवा के बाद। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अल्लाह जी बारिश भी बरसा देंगे। वो तो बड़े रहमान है, रहीम है, करीम है। हम इंसान ही बस अल्लाह की नहीं मानते तो ये सज़ाएँ हमें मिलती हैं, लेकिन वो बहुत रहमान रहीम और करीम। ये जिस स्टेयर से ऊपर आ गए हैं, यहाँ पर लिफ्ट है, लेडीज़ उसका वेट कर रही हैं और ये मैं एंटर हो गई हूँ। इसके जो यहाँ पे इसका स्टॉप है और जहाँ से हम टिकट वगैरह लेते हैं और इन ट्रेन के स्टॉप के, अच्छा ये सारे स्टॉप जो हैं वो ऊपर ही हैं, शायद कोई एक आधा नीचे हो। अनारकली वाला बेसमेंट में है, अनारकली और दो स्टॉप जो हैं वो नीचे बेसमेंट में आएंगे और बाकी जो हैं वो ऊपर। अच्छा ये जो है कार्ड्स के लिए हैं कि जिनके पास कार्ड है ये वो इसको यूज़ करेंगे। एक जो है वो चल रही है और दो जो है वो शायद बंद है। और इसी तरह वहाँ सामने भी इसी तरह से दो मशीन लगी हुई है, उनसे भी इसी तरह टिकट वगैरह जो है वो कॉइन हम ले सकते हैं। और ये टिकट्स का है जनाब, ऐसे बना हुआ है और बड़ा माशाल्लाह से अच्छा खूबसूरत। एसी प्रॉपर चलता है, एसी और बहुत अच्छा कूल करता है। अब ये मुझे पक्का पता नहीं है कि ये जो सारा काम है इलेक्ट्रिक का है, मतलब एसी वगैरह इलेक्ट्रिक उस पर चल रहे हैं या ये सोलर सिस्टम पे हो, ये अभी मुझे ठीक से पता नहीं है, ये मैं किसी से पूछ लूँगी। और ये देखिए, यहाँ से अगर हम नीचे देखें तो मैं भी नज़र आ रही हूँ, बाय ट्रैफिक जो आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं चलती फिरती, चूँकि अभी शाम हो गई है ना तो इसलिए ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रहा। तो ये जनाब जी, ये है सारी गाड़ियाँ आ जा रही हैं और ऊपर ये पुल है और हम इसके ऊपर हैं। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, मेरी फैमिली फ़ोटो बनवा रहे हैं सब लोग और मैं इनकी फ़ोटो में कम कम आती हूँ। बाय, वीडियो है या तस्वीरें? अच्छा, ये तस्वीरें बना रहे हैं और मैंने भी बनवानी है अपनी तस्वीरें। सामने जो है वो टिकट घर है, टिकट ऑफिस है, टिकट लेंगे। यहाँ से पहले जो है हम ये जो स्कैनर लगा हुआ है इसमें से गुजरेंगे, फिर आगे जाके हम टिकट लेंगे, टिकट के बाद फिर ऊपर इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके ट्रेन है। अच्छा, ऊपर हम जाएंगे ना तो ऊपर एसी नहीं है, ऊपर सारा ऊपर जो है वो ओपन एरिया है। ये चूँकि बंद है, यहाँ से ये छत इसकी ये देखिए, और वो सामने इस तरह बस इतने से ये दो दरवाजे हैं और उसके बाद बाकी सारा जो है वो क्लोज है। तो यहाँ कूलिंग है, अगर ऊपर ये वाला सिस्टम होगा तो फिर यकीनन ऊपर कूलिंग नहीं होगी। अभी हम जाएंगे टिकट लेने के लिए, मैं ज़रा अपनी फैमिली को भी देख लूँ, एक दो इनके साथ फ़ोटो ले लूँ। स्कैनर है और स्कैनर से जो है वो हम अब इसको हम यहाँ से गुजरेंगे और ये बैग जो है, और ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा है छोटा सा बीबी मेरा। अब हम टिकट्स लेंगे और चार टिकट्स अब आप आला लेने गई हैं, वाइट सूट में आला है ये। और जनाब जी, अब ये टिकट्स लेके फिर हम ट्रेन की तरफ जाएंगे। और फैमिली है मेरी, ये मेरा छोटा सा बेबी मुन्ना मेरा, ये खिजर है, मोहम्मद खिजर कमर, ये मेरी नीज का बेटा है और ये मेरा भी बेटा है। आला ने अभी तक टिकट नहीं लिया,
अभी टिकट जैसे ही आता है तो हम यहाँ से निकलते हैं। कॉइन्स जो है ये यहाँ पे लगा के, और चलिए आना आप निकलें, अब मैं भी निकल गई हूँ और अब ये बाकी लोग भी आ रहे हैं यहाँ से। जनाब जी कॉइन को उसके ऊपर लगाया और जो वो बना हुआ है इसका एक वो मशीन सी कोई लगी हुई है तो उसके ऊपर लगाया, उससे आवाज़ आई, दरवाज़ा बंद खुल गया, बंद दरवाज़ा और हम उधर से एंटर हो गए। ये जनाब जी एंटर होने के बाद वो जो है ये रेड जो पट्टी लगी हुई है ये उस तरफ के लोग जो आ रहे हैं ट्रेन से, ये उनके लिए वो वाला वो स्टेयर्स आने के लिए, अच्छा आने के लिए जो है ना वो, हाँ आने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए जो है वो ये वाली ये स्टेयर, ये वाली भी है, अगर आप उससे नहीं जा सकते इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर से तो आप दूसरी वाली स्टेयर से चले जाएं अगर आपको डर लगता है। शुरू शुरू में बड़े यहाँ पे तमाशे हुए और जनाब अली टाउन की तरफ शुरू शुरू में बड़ी दफ़ा ये बड़ा कुछ हुआ, और ये हुआ कि लोग जो हैं वो लेडीज़ ख़ास तौर पे, अब आया उनका इसमें किसी चीज़ में अड़ गया इस चलती हुई सीढ़ी में और वो गिर गईं और बहुत बुरा हाल हुआ, चोट लगी, यू नो कि इतने अवेयर नहीं थे लोग इस चीज़ से। यहाँ पे इस तरह की कोई मतलब कोई इतना ऐसा मॉल भी नहीं जहाँ पर स्टेयर हो इस तरह की कोई चीज़ें, तो उनको पता नहीं था, फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ें जो हैं वो उससे लोग बहुत जो है वो गिरे और इंजर्ड हुए। और अच्छा ये देखें बड़ा खूबसूरत सा ये काम हुआ है, ये ऐसे एक ऐसे जैसे एक मुगलिया दौर की याद जैसे ताज़ा हो गई, बड़ा प्यारा सा। और ये डिफरेंट चीज़ें हैं डिफरेंट जगहों पे, अनारकली का जो है वो बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के डाली है, वो ज़रा और तरह का है, इससे ज़्यादा खूबसूरत है। तो खूबसूरत सारे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इसमें यहाँ आके ना लगता नहीं हम पाकिस्तान में हैं, लेकिन मेरा पाकिस्तान सबसे प्यारा है, मेरा वतन सबसे प्यारा है, अल्लाह इसको रहती दुनिया तक दुनिया के नक्शे पे कायम रखे। और मुझे अपने वतन से बहुत मोहब्बत है और हम सबको करनी चाहिए क्योंकि ये हमारा वतन है, हमारा मेरा मेरा प्यारा पाकिस्तान, और पाकिस्तान जिंदाबाद। हम लोग आ गए हैं और जनाब ये ट्रेन जो है अली टाउन की तरफ लिखा हुआ है कि आएगी जनाब 2 मिनट के बाद, ठीक है जी। तो चूँकि मगरिब की अजान हो रही है और इससे मैं अभी बंद करती हूँ फिर ऑन करती हूँ। अजान हो रही है लेकिन ट्रेन आ गई थी, मैंने ऑन किया, मैं बोलूँगी नहीं, ये ट्रेन आ गई है। अब ये डोर जो है वो क्लोज हो जाएगा और ट्रेन जो है चलने लगी है, ये डोर दोनों क्लोज हो गए, बाहर का भी और इधर का भी, और अब ट्रेन जो है वो बस चलेगी, ये चल पड़ी है। और हम विंडो से जो है अगर अभी तो चूँकि ये इसी की बिल्डिंग है, अब ये देखिए बाहर के सीन्स नज़र आ रहे हैं, चूँकि मगरिब की अजान हो चुकी है तकरीबन, अंधेरा जो है फैल रहा है। अच्छा ये नया रेस्टोरेंट बना है और इसमें भी मैं इंशाल्लाह आऊँगी, और ये पेंड रेस्टोरेंट है जी, ठीक है, इस जगह को सिंहपुरा कहते हैं। हम लोग शालामार के स्टेशन से इसमें बैठे हैं और हमने लास्ट जो अली टाउन है वहाँ तक हमने जाना है, और ये छोटा सा एक कब्रिस्तान है और सब्ज़ी मंडी है। यहाँ से मुझे लाहौर कॉलेज आ गया फॉर बॉयज़, वो वाला नहीं जो जो यूनिवर्सिटी बन गई है, ये फॉर बॉयज़ है। और जनाब नेक्स्ट जो है वो स्टेशन मीटिंग का शायद आएगा, हाँ जी मीटिंग का आएगा। आप जो है इसके बाद ये यहाँ पे इस तरह से ये रिहायशी वो है, इसके बाद मैं आपको ये आ गया। ये स्टेशन जो है यूनिटी का है, अब यूनिटी का आ गया, बस इसके बाद फिर मैं आपको अली टाउन भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ओके बैठने की जगह नहीं है, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। और हम लोग आ गए हैं बेसमेंट अनारकली, अनारकली है नहीं ये है जीपीओ, जीपीओ है ना, जीपीओ है ये स्टेशन, हाँ जीपीओ है जी जी बिल्कुल, हाई कोर्ट और जी पी ओ यहाँ और इसके बाद अनारकली ऐसा नहीं, ठीक है जो यहाँ उतरते हैं उन्होंने जिन्होंने अनारकली जाना वो भी यहाँ उतर सकते हैं। तो जनाब वो कह रहे हैं कि लेडीज़ जो हैं वो बैठ जाएं
और जेंट्स खड़े हो जाएं, तो वो फिर बंदे को उठा दिया, एक कोई एक औरत जो है वो बैठ गई है, बच्चा भी उठ गया, वो कह रहा है लोग मैं भी जेंट्स में ज़ाहिर शुमार होता हूँ, तो कोई और लेडीज बैठ जाए। हमें अभी तक जगह नहीं मिली, ना हम बैठ सके ना हम नमाज पढ़ सके, तो अभी देखते हैं हमें कहाँ जाके जगह मिलती है। नेक्स्ट मैं वहीं पर फिर आपसे बात आपको बताती हूँ कि हमारे से क्या हुआ। रश बहुत रश है, फुल है ट्रेन। अच्छा, पहला जो स्टेशन था वो अनारकली नहीं था, वो GPO था, और अनारकली जो अलग से एक स्टेशन है। अब अनारकली आया और यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो बहुत अच्छी चीज़ें मतलब बनाई हुई हैं, और हाथ से कुछ पेंटिंग्स वगैरह की हुई हैं। अगर मैं दिखा पाऊँ पेंट खुलने का, आई थिंक सो नहीं दिखा पाऊँगी। नहीं दिखा पाऊँगी मैं आपको, शीशे में से दिखा पाऊँगी जिस वक्त के ट्रेन चलेगी। अभी जो है ट्रेन बंद है, रुकी भी है, और बस अभी चल पड़ेगी, तो फिर मैं आपको शायद थोड़ी सी जो नक्शो नगार बने हुए हैं वो मैं शायद दिखा पाऊँ कि क्या क्या बना हुआ है, और काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत बनाया हुआ है ये वाला इन्होंने स्टेशन, खासतौर पर अनारकली। बस अभी ट्रेन चलती है तो मैं दिखा सकूँ तो बिल्कुल, लेकिन अंधेरा ही है अभी तक, ना कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, नहीं लाइट्स भी नहीं है, नहीं दिखा पाई। चले आते वक्त एक और वीडियो छोटी सी चाहे छोटा सा क्लिप बना के मैं दिखा पाऊँ शीशे में, मैं भी नज़र आ रही हूँ। बाय। अच्छा देखिए, बहुत रश है कि देखिए जेंट्स खड़े हैं, वो लेडीज़ कुछ बैठी हुई हैं, लेकिन बहुत रश हो गया शाम के टाइम। आला वगैरह अभी सामने जो है ये खड़ी हुई हैं, अभी तक इन्हें सीट नहीं मिली, मुझे मिल गई। हम लोग अली टाउन पहुँच गए हैं, लास्ट स्टेशन, और बस यहाँ से उतरेंगे हम। और जनाब ये अली टाउन लास्ट स्टेशन, हवा बहुत चल रही है, और आला ये मेरी फैमिली, और ये मेरा बच्चा ये 45 मिनट्स की ट्रेन के ऊपर ले चुका है मज़े की ड्राइव। और जनाब जी ये हम पुल के ऊपर हैं, और कुछ ऐसा नज़र आ रहा है नज़ारा, ये देखिए। अब मैं बंद करती हूँ अपना ब्लॉग, यहाँ पे क्लोज़ करती हूँ। ये हमारा एक सफ़र कंप्लीट हो गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।